यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एडुटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, क्योंकि गुजरात की इस कंपनी ने जो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा करवाई उसका पर्चा लीक हुआ था। जांच एसटीएफ को दे दी गई। इस जांच के दौरान एसटीएफ ने एडुटेक के मालिक विनीत आर्य को 4 नोटिस भेजे, लेकिन विनीत की ओर से कोई जवाब नहीं आया। आज तक के सहयोगी संतोष शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक एसटीएफ की जाँच शुरू होते ही विनीत भारत छोड़ अमेरिका भाग गए, अभी तक लौटे नहीं हैं। इतना ही नहीं, कंपनी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट से अबाउट अस सेक्शन को हटा दिया है, जहां कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पूरी जानकारी मौजूद होती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, इस कंपनी की कुंडली हम खोज कर लाए हैं। आइए आपको बताएं कि कैसे कंपनी ने परीक्षाएं कराकर पहले अपना नाम बनाया, लेकिन आज उसकी ये स्थिति है कि मालिक भाग गए हैं और कंपनी अपनी जानकारी इंटरनेट से साफ कर रही है। साल 1980 में भारत में आउटसोर्सिंग किसी दूर के चिड़िया का नाम था। तब एक कंपनी आउटसोर्सिंग एग्जाम के कॉन्सेप्ट को लेकर के आई, बहुत ही नया आइडिया उस पीरियड के हिसाब से। नाम था इस कंपनी का एडुटेस्ट, या कहें एडुटेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। वेबसाइट के मुताबिक देश की लीडिंग एडुकेशन टेस्टिंग कंपनी है। आउटसोर्सिंग यानी कोई कंपनी या संस्था जब अपने काम के लिए किसी थर्ड पार्टी को हायर कर रही है। सरकार को परीक्षा करवानी है, किसी दूसरी कंपनी को लिया तो परीक्षा का काम किया आउटसोर्स। एडुटेक कंपनी से जुड़े बड़े नाम कौन कौन से हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इस कंपनी की स्थापना 1982 में गुजरात के अहमदाबाद में सुरेश चंद्र ने की, जो आर्य समाज के अंतर्राष्ट्रीय प्रेसिडेंट भी हैं। अब बिजनेस से दूर ये सामाजिक कार्यों में है। सुरेश चंद्र के बाद एडुटेक की बागडोर उनके परिवार के हाथ में, जिसमें पहला नाम है विनीत आर्य का। विनीत कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, MD। जॉबा कॉप वेबसाइट के मुताबिक विनीत आर्य एडुटेस्ट के अलावा 6 और कंपनियों से जुड़े हैं। किस किस डेजिग्नेशन में और क्या क्या पीरियड है, ये जानकारी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। दूसरा बड़ा नाम है विनीत की पत्नी जया आर्या का, जो एडुटेस्ट की डायरेक्टर और CEO हैं। उन्होंने 2010 में कंपनी को ज्वाइन किया। 3 साल के अंदर ही जया की प्रतिभा को पहचान लिया गया। 2013 में उन्हें SME चैम्बर्स ऑफ इंडिया ने बेस्ट एमर्जिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ गुजरात का अवार्ड दिया। इसके बाद अगले 4 साल में जया बिजनेस के मार्केटिंग और सेल्स ऑपरेशन को संभालने लगी। उनके कार्यकाल में कंपनी का टर्नओवर 5 गुना हुआ। जया आर्या एडुटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के अलावा JBR निर्माण प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के भी डायरेक्टर हैं। ये एक फैमिली रन रियल एस्टेट कॉरपोरेशन है। कंपनी कमर्शियल ऑफिसेस और रेजिडेंशियल घरों को बनाने का काम करती है। JBR निर्माण प्राइवेट लिमिटेड से विनीत भी जुड़े हैं। एक इंटरव्यू में जया बताती हैं कि वो यूपी के एक छोटे से शहर से आती हैं। बचपन से ही पढ़ाई में इनका काफ़ी मन लगता था। हायर एडुकेशन और प्रोफेशनल कोर्स करने का सपना था, लेकिन छोटे शहर से होने के कारण और परिवार के प्रेशर के चलते उन्हें शादी करनी पड़ी। शादी हुई विनीत आर्य से। शादी के बाद उन्होंने अहमदाबाद के सेंट जेवियर कॉलेज से साइकोलॉजी में BA की पढ़ाई की, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण उच्च शिक्षा जारी नहीं रख सकी, पर मैनेजमेंट का कोर्स पूरा कर लिया। तीसरा नाम है विनीत और जया के बेटे सक्षम आर्य का। सक्षम आर्य भी डायरेक्टर टीम में शामिल हैं। उन्होंने इलिनॉय यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में डिग्री हासिल की है। सक्षम ने देहरादून के दून स्कूल से पढ़ाई की है, जो देश के अच्छे बोर्डिंग स्कूल्स में से एक है। वहीं कंपनी की COO हैं माया पाटनकर। ये तो एक कंपनी से जुड़े बड़े नाम। अब बात करते हैं एडुटेस्ट के बारे में। ये कंपनी शुरुआत में पेपर पेंसिल एग्जाम्स कराती थी, फिर टीम ने CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स में भी कदम रखा। कंपनी ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम कराने और कॉन्फिडेंशियल प्रिंटिंग का काम कराने के लिए जानी भी जाती है। साल 2000 आने तक एग्जाम कल्चर में कई बदलाव हमने देखे। हम पेन पेपर से डिजिटल की तरफ तब माइग्रेट कर रहे थे। 2010 के बाद से CAT, GATE जैसे ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स डिजिटल हुए। इन्हें खास बनाने वाला कॉन्सेप्ट है सील टेक्नोलॉजी, यानी सिक्योर, एफिशिएंट, अजाइल, लीक प्रूफ। ये सारे गुण होने चाहिए। एक ऐसी तकनीक जहां एग्जाम में कितने भी अभ्यर्थी शामिल क्यों ना हो जाएं, सभी के प्रश्न पत्र का सीरियल नंबर अलग होगा, यूनिक होगा। एडुटेस्ट का दावा है कि सील टेक्नोलॉजी लाने वाली वो पहली कंपनी थी। कोविड के दौरान कंपनी AI बेस्ड चीट प्रूफ तकनीक लेकर आई, जिसमें आईबॉल मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है घर से एग्जाम देने वाले छात्रों को चीटिंग से रोकने के लिए। इसके अलावा कंपनी एंट्रेंस एग्जाम बिना किसी गड़बड़ी के कराने के लिए CCTV सर्वेलेंस, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, फेशियल डिटेक्शन वगैरह अन्य तरह की टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करने की बात करती है। दावा करती है कि उनके पास ये सब है। एडुटेस्ट का दावा है कि उसने 1590 से ज़्यादा क्लाइंट्स के लिए काम किया और 100 से अधिक प्रीमियम क्लाइंट्स से वो जुड़ी है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अखिल भारतीय और राज्य स्तरीय भर्ती बोर्ड हैं, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एंट्रेंस एग्जाम कराने वाली संस्थाएँ हैं।
एडुटेस्ट के पास 1100 से ज़्यादा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, ऐसा कंपनी कह रही है, जो भारतीय और 8 विदेशी भाषाओं में क्वेश्चन बैंक बनाने में सक्षम है। कंपनी ये भी दावा करती है कि वो अब तक 1130 परीक्षाएं करवा चुकी हैं, जिनमें पेन पेपर टेस्ट, ऑन स्क्रीन मार्किंग, रिमोट प्रॉक्टरिंग टेस्ट, इंटरनेट बेस्ड टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शामिल हैं। कंपनी ने लखनऊ, दिल्ली, बैंगलोर और महाराष्ट्र तक अपना विस्तार किया है। एडुटेस्ट का हेड ऑफिस वैसे है अहमदाबाद में। एडुटेस्ट के क्लाइंट्स की लिस्ट वो भी शेयर करते हैं आपसे। छत्तीसगढ़ सरकार, NIT तिरुचिरापल्ली, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पुणे विश्वविद्यालय, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हरियाणा SSC, दून विश्वविद्यालय, पावर ग्रिड, सिम्बायसिस, इनस्टेम, अखिल भारतीय प्रबंधन संघ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, गुजरात, NLU, UP SSSC, इतने सब हैं। ये सारी जानकारी हमें कंपनी की वेबसाइट से मिली, जो ये भी दावा करती है कि पिछले 3 दशकों से अधिक समय से इस क्षेत्र में कंपनी अपने क्लाइंट्स को 0 डिफेक्ट के साथ सर्विस दे रही है। 2024 की UP पुलिस भर्ती परीक्षा का जिम्मा भी एडुटेस्ट के पास ही था। कंपनी ने लेकिन लॉजिस्टिक्स का जो ठेका था वो नोएडा की कंपनी को दिया था। लॉजिस्टिक्स यानी आना जाना, ट्रक्स में पेपर लाना वगैरह। लॉजिस्टिक्स कंपनी यानी जैसा हमने बताया पेपर को अलग अलग सेंटर्स तक ले जाने वाली कंपनी, वैसे लॉजिस्टिक्स कंपनी को पेपर एडुटेस्ट ने ही दिया था। ट्रांसपोर्ट कंपनी को वेयरहाउस भी एडुटेस्ट के लोगों ने मुहैया कराया। इन्हें वेयरहाउस में रखे एग्जाम पेपर के बंडल से पेपर लीक होना बताया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती के पेपर लीक की जांच UP की स्पेशल टास्क फोर्स को सौंपी गई है, STF। इस जांच के दौरान STF ने, जैसे हमने पहले भी बताया, विनीत आर्य को 4 नोटिस भेजे, लेकिन विनीत ने जवाब नहीं दिया। और अब ऐसी खबर है कि जब जांच शुरू हुई तभी वो भारत छोड़ अमेरिका भाग गए थे, आए नहीं। इतना ही नहीं, कंपनी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट से अबाउट अस सेक्शन को हटा लिया, जहां कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानकारी थी। आपको उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक का बैकग्राउंड भी बता देते हैं। 17 और 18 फरवरी को UP में 60,244 पदों के लिए सिपाही भर्ती का एग्जाम हुआ। 48 लाख से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन एग्जाम के दिन ही कई सेंटर से पेपर लीक होने की खबर आ गई। मामले का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एग्जाम को रद्द करवाया। साथ ही मुख्यमंत्री ने छात्रों को आश्वासन दिया कि 6 महीने के अंदर री एग्ज़ाम होगा। बोर्ड ने री एग्ज़ाम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। री एग्ज़ाम के लिए बोर्ड ने ज़िले में SP, SSP और पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। इस मामले पर तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये जो जानकारी थी ये प्रगति ने जुटाई थी और जतिन ने इसे रिकॉर्ड किया था। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ।